हेलो गाइस, आज हम लोग सीखेंगे कि दिस कीवर्ड क्या होता है और दिस कीवर्ड का हम यूज़ जावा में कैसे करते हैं और कहां कहां पे करते हैं। तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा दिस कीवर्ड होता क्या। जैसे मैंने यहाँ कुछ पॉइंट्स लिख रखे हैं कि दिस कीवर्ड इन जावा, दैट मीन्स पहला पॉइंट क्या है कि दिस कीवर्ड इज़ यूज़ टू होल्ड एड्रेस ऑफ करंट इंस्टांस। इसका मतलब क्या है कि मान लो हमारे पास कोई मेथड है। कैसा मेथड है? नॉन स्टैटिक, राइट। अब वहाँ पे हमने क्या किया, दिस कीवर्ड को प्रिंट करा के देखना चाहते हैं, राइट, कि जो दिस कीवर्ड है वो क्या वैल्यू प्रिंट करता है, सो लाइक दिस। और अब हम इसे क्या करेंगे, कॉल करने के लिए हमें टेस्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, लाइक दिस। और टी के साथ हम क्या करते हैं, शो को कॉल करते हैं। अब ये देखने के लिए कि दोनों एक ही हैं, इसका मतलब कि दिस कीवर्ड इज़ यूज टू होल्ड एड्रेस ऑफ करंट इंस्टांस, इसका मतलब जो टी में है वही दिस में होगा। तो इसलिए मैंने टी को भी प्रिंट कराया और शो मेथड कॉल करके दिस को प्रिंट कराया। एंड लेट्स से वी आर गेटिंग द बोथ सेम वैल्यू और नॉट। सो रन करते हैं। एंड नाउ लेट्स सी, वी हैव अ सेम डेटा, मतलब हमारे पास सेम एड्रेस आ रहा है। इसका मतलब कि जो टी है, जो ये एड्रेस होल्ड कर रहा है, टी वेरिएबल, टी रेफरेंस वेरिएबल, वही दिस कर रहा है। अब क्वेश्चन आता है, सर हम इसकी ज़रूरत क्या पड़ती है, राइट। तो लेट्स सी व्हाट इज द यूज। सपोज करो हमारे पास एक वेरिएबल है, कैसा है, इंस्टांस वेरिएबल या नॉन स्टैटिक वेरिएबल। अब अगर मुझे यहाँ से कॉल करना होता है तो हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट बनाते हैं क्लास का एंड देन उसको कॉल करते हैं, समथिंग लाइक दिस। सो जैसे मैंने इसे रन कराया, नाउ वी आर गेटिंग 10 ऑन माय कंसोल, परफेक्ट। अब हमें क्या करना है कि मान लो अगर यहीं पे हमने सेम नेम का एक लोकल वेरिएबल बना दिया जिसकी वैल्यू 100 कर देते, तो अगर मुझे अब इसको एक्सेस करना है तो हम लोग क्या करते हैं, सिंपली आई प्रिंट करते हैं, क्योंकि लोकल वेरिएबल को हम डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं, राइट। और जो नॉन स्टैटिक वेरिएबल होता है, अगर हम स्टैटिक मेथड्स उसे एक्सेस करते हैं तो हमें रेफरेंस वेरिएबल की ज़रूरत पड़ती है। नाउ रन कर दिया। तो अब हमें क्या है, इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे हम दोनों ही डेटा एक्सेस कर पा रहे हैं। लेकिन क्वेश्चन आता है सर कि अगर हमारे पास दो वेरिएबल हैं सेम नेम के, तो उनके बीच में टी क्या कर रहा है, एक तरह से कॉन्फ्लिक्शन रिमूव कर रहा है कि जब आपको नॉन स्टैटिक वाला कॉल करना है तो आप टी के साथ कॉल करो, और जब आपको लोकल वाला कॉल करना है तो आप उसे डायरेक्टली कॉल करो। अब अगर यही सेम सिचुएशन हमारे पास एक नॉन स्टैटिक मेथड में हो तो लाइक मैंने क्या किया, एक शो मेथड बनाया और यहाँ पे एक लोकल वेरिएबल डिफाइन कर देते हैं। अब अगर मैं आई को प्रिंट कराता हूँ तो बट ऑब्वियस सी बात, ये क्या करेगा, अपने करंट वाले लोकल वेरिएबल को पॉइंट करेगा, ठीक है। सो अब हम क्या करते हैं, जरा इसे कॉल करते हैं। तो कॉल करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, टी डॉट शो। तो अभी जैसे मैंने इसको कॉल किया, लेट्स सी व्हाट वी आर गेटिंग, तो वी आर गेटिंग 100, परफेक्ट। बट अगर मुझे अब ये चाहिए तब, तो यहाँ पे हमारे पास क्या कोई रेफरेंस वेरिएबल है, नहीं, क्यों नहीं है, क्योंकि लोकल, क्योंकि जो नॉन स्टैटिक वेरिएबल होता है, नॉन स्टैटिक मेथड से हम उसे डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। बट कभी कभी हमारे पास इस तरह की कॉन्फ्लिक्शन आ जाती है, राइट। अब इस कॉन्फ्लिक्शन को रिमूव करने के लिए हम क्या कर सकते थे मैनुअली, कि अगर हम इसे अपने टेस्ट टाइप का पैरामीटराइज बनाते हैं तो फाइनली हम क्या कर सकते हैं, टी से कॉल कर सकते हैं, और जब यहाँ शो मेथड कॉल करें तो हम टी को पास कर सकते हैं, राइट। कि हमने अपने एड्रेस को यहाँ से मेथड के थ्रू पास किया और यहाँ पे हमने टी एक्सेस कर लिया। सो अगर मैं दोनों ही वेरिएबल को एक्सेस करता हूँ राइट नाउ, तो वी कैन एक्सेस, परफेक्ट। बट प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि इस केस में हमें हर एक मेथड को पैरामीटराइज बनाना पड़ेगा जहाँ इस तरह की कॉन्फ्लिक्शंस आएगी। तो जावा ने क्या किया कि आपको ये कॉन्फ्लिक्शन रिमूव करने के लिए उसने डायरेक्ट क्या दे दिया कि जो आप टी से कर रहे हो वही आप दिस से कर सकते हो। सो व्हाट, उसने नॉन स्टैटिक एरिया के लिए क्या प्रोवाइड किया, दिस कीवर्ड, कि कभी आपके पास ऐसी सिचुएशन आती है तो आप वही सेम टास्क दिस कीवर्ड के थ्रू डायरेक्टली यूज़ करो और अपना कॉन्फ्लिक्शन रिमूव करो। इस केस में आपको मेथड को अननेसेसरी पैरामीटराइज बनाने की ज़रूरत नहीं है। एंड लेट्स सी, नॉट परफेक्ट। सो जो दूसरा पॉइंट है इसका, वो क्या है कि दिस कीवर्ड इज यूज टू रिमूव कॉन्फ्लिक्शन बिटवीन लोकल वेरिएबल एंड इंस्टांस वेरिएबल।
सो दिस इज़ योर इंस्टांस और नॉन स्टैटिक वेरिएबल, दिस इज़ योर लोकल वेरिएबल। सो ये जो दिस कीवर्ड है क्या कर रहा है कि अगर हमारे पास दोनों वेरिएबल सेम है तो उनके बीच में कॉन्फ्लिक्शन को रिमूव कर रहा है। क्लियर? ठीक है, अब तीसरा पॉइंट समझते हैं क्या कि सर हम सेम वेरिएबल बनाए ही क्यों, राइट? तो उसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूँ। मान लो बच्चे हमारे पास कोई नेम है, क्या है? नेम। और यहाँ से मैं क्या करता हूँ, एक मेथड बना देता हूँ सेट नेम। तो नाम से ही क्या पता चलता है, ये मेरा मेथड क्या है, अंडरस्टैंडेबल है और रीडेबल है, राइट? कि हम यहाँ से क्या करेंगे, नेम को सेट करेंगे। सो नेम को सेट करने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, नेम। अब क्या ये एन से पता चल रहा है कि हम क्या किस टाइप की वैल्यू ले रहे हैं? नहीं। तो इस केस में हम क्या करते हैं, अगर हम इसकी रीडेबिलिटी बढ़ाते हैं, क्या बढ़ाते हैं, रीडेबिलिटी, राइट? तो प्रॉब्लम क्या आती है कि हमें यही वैल्यू इसमें असाइन करनी है। तो जब हम यही वैल्यू इसमें असाइन करते हैं डायरेक्टली लाइक समथिंग लाइक दिस, ठीक है, तो अगर हम सेम नेम का वेरिएबल यूज़ करते हैं तो इससे हम क्या बढ़ाते हैं, रीडेबिलिटी। और इसी टर्म्स को हम क्या बोलते हैं, एक तरह से वेरिएबल हाइडिंग। क्यों? क्योंकि इस वेरिएबल को इस वेरिएबल ने हाइड कर दिया कि जब भी आप डायरेक्टली कॉल करोगे तो किसको प्रेफर करेगा, इसको, ना कि इसको। तो इस वेरिएबल हाइडिंग कॉन्सेप्ट पे अब क्या हुआ कि हमने रीडेबिलिटी तो बढ़ा दी, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि ये जो नेम है ये नेम इस पे जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर हम किसी को नेम रिटर्न करके देना चाहते हैं तो हम कुछ ऐसा मेथड बनाते हैं और रिटर्न क्या करेंगे, नेम। बट बाय डिफॉल्ट देखा जाए ये नेम किसको पॉइंट करेगा, इसको। क्यों? क्योंकि ये तो लोकल है और इसका स्कोप सिर्फ यहीं तक होता है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, क्या चेक करने के लिए कि क्या इसमें नेम गया या नहीं, तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले टी से सेट नेम कॉल कर लेते हैं एंड जस्ट पास अ नेम लाइक सिंह एंड चेक करते हैं कि वी आर गेटिंग द नेम और नॉट। तो हमने क्या किया, गेट नेम को कॉल कर दिया। इफ आई रन दिस, सो वी आर गेटिंग नल, राइट? इसका मतलब ये वाली जो वैल्यू है यहाँ तो गई, बट ये वाली वैल्यू यहाँ तक नहीं गई। क्यों नहीं गई? क्योंकि ये दोनों ही किसको पॉइंट कर रहे हैं, लोकल को। इसका मतलब लोकल वाली वैल्यू लोकल में ही असाइन हुई, यहाँ तक तो पहुँची नहीं। सो अगर हमने रीडेबिलिटी बढ़ाई तो प्रॉब्लम क्या आ रहा है, कॉन्फ्लिक्शन। और इस कॉन्फ्लिक्शन को रिमूव करने के लिए जावा ने क्या कहा, यू डोंट वरी, वी हैव अ दिस कीवर्ड एंड लेट्स सी द सेम प्रोग्राम वंस अगेन, नॉट परफेक्ट। तो हम बेसिकली सेम नेम, सेम टाइप का नेम का भी यूज़ करते हैं जब हमें रीडेबिलिटी बढ़ानी हो, ठीक है, कोड की अंडरस्टैंडेबिलिटी बढ़ानी हो। और उस केस में हमारे पास क्या आता है, कॉन्फ्लिक्शन। और उस कॉन्फ्लिक्शन को रिमूव करने के लिए क्या है हमारे पास, दिस कीवर्ड। सो आई होप ये चीज़ क्लियर होगी गाइस। नाउ अब हम नेक्स्ट पॉइंट की ओर प्रोसीड करते हैं कि दिस कीवर्ड को हम एज अ रिटर्न स्टेटमेंट और रिटर्न वैल्यू की तरह भी यूज कर सकते हैं। अब कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, वो भी समझते हैं। सो गाइस मान लो, सपोज करो मेरे पास एक मेथड है ए। सो हमने यहाँ पे क्या लिखा, सिंपल ए प्रिंट करा देते हैं। ऐसे हमारे पास कितने मेथड हैं, तीन, जस्ट सपोज लाइक बी एंड लाइक सी। सो हुआ क्या कि अगर मुझे इन तीनों मेथड की रिक्वायरमेंट है या मल्टीपल मेथड की रिक्वायरमेंट है फ्रॉम अ सिंगल क्लास, किसी भी एक क्लास की मल्टीपल मेथड्स की रिक्वायरमेंट है, तो हम क्या करते हैं। तो अगर मान लो मैंने ये अप्रोच यूज़ किया और तब हमने क्या किया, टी को ए को कॉल किया, ठीक है, फिर हमें टी को बी को भी कॉल करना है, फिर हम टी से सी का भी कॉल करते हैं, तो काम तो ये हो जाएगा। बट प्रॉब्लम क्या है, हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर देयर, थ्री, राइट? कि हमने इस मेथड, तीन मेथड को कॉल करने के लिए वी हैव यूज थ्री स्टेटमेंट, राइट? सो कैन वी रिड्यूस दिस स्टेटमेंट, राइट? तो तब हमें क्या करना है कि अगर हम एक ही क्लास के कई सारे मेथड्स को कॉल करते हैं तो हम इसको ऐसे भी तो यूज कर सकते हैं कि क्यों ना हम अपने ही मेथड से अपनी क्लास का ऑब्जेक्ट रिटर्न करा दें, और नया ऑब्जेक्ट ना रिटर्न करा के हम क्या करें, सेम ऑब्जेक्ट रिटर्न करा दें विच इज स्टोर बाई दिस वेरिएबल, राइट? सो दिस क्या करेगा, इसी एड्रेस को होल्ड करेगा और ये नया एड्रेस क्रिएट नहीं करता है, ठीक। अब ऐसा क्यों किया, टू अचीव मेथड चेनिंग, ताकि हम एक मेथड से दूसरे मेथड को कॉल कर सकें। तो लाइक अगेन मैंने यहाँ भी क्या किया, वही सेम केस, लाइक दिस, वी आर नॉट क्रिएटिंग अ न्यू एड्रेस, वी आर हैविंग द सेम एड्रेस, राइट? सो लेट्स सी, अगेन रिटर्न दिस, परफेक्ट। अब अगर इसी तीन को हम देखा जाए तो कैसे कॉल कर सकते, टी डॉट ए डॉट बी डॉट सी। सो जो हम काम तीन स्टेटमेंट में कर रहे थे वही काम अब हम एक स्टेटमेंट में कर रहे हैं। सो दिस अप्रोच इज कॉल्ड मैथड चैनिंग। जब आप एक मैथड से दूसरे मैथड, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, अप टू सो ऑन कॉल करते हो, तो दिस इज कॉल्ड मैथड चैनिंग, राइट? तो हम क्या कर सकते हैं, यूजिंग रिटर्न
दिस स्टेटमेंट वी कैन अचीव मैथड चैनिंग, एंड मैथड चैनिंग अचीव करने से हमें फायदा क्या हुआ, टू रिड्यूस स्टेटमेंट, राइट। तो अगर हम दिस कीवर्ड के थ्रू क्या करते हैं, एक ही क्लास एक मेथड के रिटर्न टाइप को चेंज कर देते हैं टेस्ट अपनी क्लास से, तो हम क्या अचीव कर सकते हैं, मेथड चैनिंग। और क्यों अचीव करते हैं, ताकि हम अपने स्टेटमेंट को रिड्यूस कर सकें। आई होप ये भी चीज़ क्लियर है। इसका मतलब क्या हुआ कि ए क्या रिटर्न करा, सेम टाइप का ऑब्जेक्ट, तो जब सेम टाइप का ऑब्जेक्ट रिटर्न करा तो हम उसी क्लास के मेथड को कॉल कर सकते हैं, राइट। अब इसको भी अगर और शॉर्ट किया जाए तो हम ऐसे भी तो कर सकते हैं कि टी की जगह व्हाई नॉट कॉल दिस, सो नाउ वी हैव सिंगल स्टेटमेंट टू कॉल नंबर ऑफ मेथड्स, राइट। तो वी कैन अचीव मैथड चैनिंग वाया रिटर्निंग द दिस कीवर्ड टू रिड्यूस द स्टेटमेंट। नाउ नेक्स्ट, दिस कीवर्ड इज यूज्ड टू पास एज एन आर्ग्यूमेंट, व्हाट डज इट मीन। तो लेट्स सी, सपोज करो मेरे पास एक क्लास है लाइक सपोज स्टूडेंट, और एक क्लास है टीचर, जस्ट सपोज। अब स्टूडेंट के पास क्या है, वन इज अ नेम, राइट, सिंपल, ठीक है। अब वो नेम का इन्फॉर्मेशन यहाँ से हम देना चाहते हैं, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, तो मैंने मान लो यहाँ से क्या किया, void, ठीक है, एंड कॉल टीचर, ठीक। और टीचर के पास एक मेथड बना देते हैं, void show स्टूडेंट। अब टीचर को क्या चाहिए, स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, वाई नॉट डिक्लेयर स्टूडेंट लाइक दिस, राइट, परफेक्ट। अब यहाँ से हम जरा चेक करेंगे कि स्टूडेंट का हमें नेम अगर एक्सेस करना है तो क्या हम, क्या टीचर एक्सेस कर पा रहा है, नहीं, सिंपल एक अप्रोच, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है पहले वो समझते हैं। तो जब हम स्टूडेंट को कॉल करेंगे, मतलब स्टूडेंट से हम टीचर को कॉल करेंगे, तो हाउ टू कॉल, तो न्यू टीचर, ठीक है, और टीचर से हम क्या करेंगे, उसके मेथड को कॉल करेंगे, और उसे क्या चाहिए दिस, तो मैंने यहीं से क्या पास किया, दिस ऑब्जेक्ट, पॉइंट, ठीक। अब स्टूडेंट का डेटा कहाँ सेट करेंगे, तो मान लो हम टेस्ट क्लास से क्या करते हैं, स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बना देते हैं लाइक दिस, और स्टूडेंट का नाम सेट कर देते हैं Like this, ठीक है, और उसी स्टूडेंट से हम क्या करते हैं, कॉलर टीचर कॉल करते हैं। तो सबसे पहले जो हमने एड्रेस बनाया स्टूडेंट का, वही एड्रेस ये होल्ड करेगा, दैट मीन्स एक बार हमने उसके एड्रेस में वैल्यू असाइन कर दी तो ये उसी एड्रेस को पॉइंट करेगा जिसमें हमने वैल्यू स्टोर की है। सो अब क्या होगा कि ये नेम कहाँ पहुँचेगा, सबसे पहले यहाँ पे, फिर ये कॉल टीचर कॉल करेगा, और जब इसका ऑब्जेक्ट हमने बना रखा है तो ये क्या करेगा, इसी के एड्रेस को पॉइंट करेगा, ठीक, और वही एड्रेस डिलीवर कर देगा किसके पास, टीचर के पास यहाँ पे। और जब टीचर के पास सेम एड्रेस आएगा तो जब वो नॉम को कॉल करेगा तो क्या मिलेगा, दीप सिंह, लेट्स सी, परफेक्ट। बट इन दिस केस अगर हम यहाँ पे नया ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो टीचर को क्या मिलता, एक्सेप्शन, सॉरी, नल, क्यों, क्योंकि स्टूडेंट यहाँ पे क्या है, एक नया हमने ऑब्जेक्ट बनाया, मतलब एक नई मेमोरी क्रिएट की, और जिस नई मेमोरी में हमने डेटा तो सेट ही नहीं किया, हमने डेटा किस में सेट किया, इस मेमोरी में, तो यहाँ पे हम एक नया एड्रेस बना रहे, राइट। तो हमें अगर सेम एड्रेस को ही डिलीवर करना है तो हम क्या यूज़ कर देंगे, दिस कीवर्ड, एंड लेट्स हैव अ लुक, परफेक्ट, ओके। अब दिस कीवर्ड को कहाँ यूज़ नहीं कर सकते, तो दिस कीवर्ड कैन नेवर यूज़ इनसाइड अ स्टैटिक कॉन्टेक्स्ट, दैट मीन्स हम दिस कीवर्ड को कभी भी स्टैटिक मेथड या स्टैटिक एरिया में यूज़ नहीं कर सकते, लाइक इफ़ यू वॉन्ट टू प्रिंट दिस कीवर्ड ओवर हियर, वी आर गेटिंग कंपाइल्ड एन एरर, क्यों, क्योंकि दिस नॉन स्टैटिक एरिया में काम करता है। दूसरी चीज़, दिस तभी काम करेगा जब आपके पास उसका एड्रेस होगा, तो स्टैटिक प्रॉपर्टी सबसे पहले लोड होता है, राइट। तो हम यहाँ से क्या करते हैं, एक बार मेमोरी क्रिएट कर देते हैं, और जब एक बार मेमोरी क्रिएट हो जाती है तो दिस कीवर्ड क्या करता है, उसी एड्रेस को पॉइंट करता है, जिससे हम अपना फर्दर कोई भी टास्क, कॉन्फ्लिक्शन या समथिंग प्रोड्यूस रिड्यूस कर सकते हैं। सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ दिस कीवर्ड, आई होप क्लियर होगा। इन केस अगर कोई डाउट होता है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट दे सकते हो। ओके गाइज, आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।